आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई खास वजह से? नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ साथियों ने ज्वाइन किया था और हमारे नेता ने जो आज ऐलान किया है कि हम गरीबों को न्यूनतम 72,000 रुपये हर परिवार को देने का काम करेंगे, उसी के लिए हमने बताया कि क्योंकि हमारी पार्टी की नीति है हम लोग गरीब उन्मुख नीति बनाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी गरीबों के लिए देश के अंदर काम करना चाहती है और हमेशा काम गरीबों के लिए केवल कांग्रेस ने किया है। लो थोड़ा मोबाइल हटा लो सामने। नहीं नहीं, बहुजन समाज पार्टी कुछ लोग बैग करके थोड़ा सा बैग रहे थे, बहुजन में जा रहे थे, अब उनकी धीरे धीरे सबकी वापसी हो गई है। कुछ इसके अलावा एक बयान दिया, आपका नाम नहीं दिया, आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो आपसे देखिए मुख्यमंत्री जी बड़े दिव्य ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको कहाँ कहाँ कौन सा ज्ञान मिलता है उसका पता नहीं चलेगा। पहले उनको हनुमान जी का ज्ञान हुआ था कि हनुमान जी की जाति क्या है, अब उन्हें इमरान मसूद की रिश्तेदारी का ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार की ओछी और छिछोरी बातों का जवाब दिया जाना ना दिया जाना मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब। प्रश्न ये है कि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि एक आदमी बाहर से आता है वो अर्जर मसूद की भाषा बोलता है, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको ये पता चला? अरे यार आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, उसका नाम मसूद अजहर है, उसका नाम अजहर मसूद नहीं है, ये तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो अब आप अभी योगी को क्लीन चिट देने का प्रयास मत करें आप। अभी अभी आपका एक बयान आया कि डर लगता है। हाँ नहीं, डर लगता है ऐसे लोगों से कि ये लोग हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। मेरा भाई 20 साल से सेना के अंदर बॉर्डर के ऊपर लगा हुआ है, उसकी फील्ड पोस्टिंग रही है ज़्यादातर, कश्मीर हो रहा, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा, और हमारे बारे में वो मेरे परिवार के बारे में इस तरह की बात करेंगे? छोड़ करके खुदा हो गए तुम पाकिस्तान जा करके, और कौन छोड़ कर आया था? यही तो छोड़ कर आया था कंधार के अंदर, कोई और थोड़ी छोड़ कर आया था। अब जो चुनाव चल रहे हैं आप लोगों के बीच आ रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश में नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले होंगे? जो लोग कांग्रेस को रांग रहे थे उनको गलत फहमी उनकी दूर हो जाएगी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर 2009 को दोहराने का काम करेगी। कल आप प्रत्याशी का बयान भी आया कि उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर मसूद का कोई रिश्तेदार संरक्षण है तो वो कमजोर मुख्यमंत्री है, अगर उनको ऐसी जानकारी है तो उन्होंने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत सही बात कही है, कौन से प्रत्याशी ने कही मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सही बात कही है। अगर मुख्यमंत्री के अंदर इतना बोलने का साहस है तो फिर कर दिखाने का भी होना चाहिए। अगर कोई उसका रिश्तेदार यहाँ पर आतंकी भाषा बोल रहा है उसको गोली मारे सीधे, उससे नरमाई का रवैया ना इख्तियार करे मुख्यमंत्री पर। लेकिन मुख्यमंत्री को केवल वोट के लिए बात करनी है, मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री को मतलब नहीं करने के किसान से मुख्यमंत्री को नहीं है, पॉपुलर के किसान से मुख्यमंत्री को नहीं है, यहाँ के व्यापारी से मतलब मुख्यमंत्री को नहीं, मतलब के नौजवान को रोजगार मिले क्या ना मिले, ये बेकार की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हमने इस बार डीजे बजवाया, हमने कांवड़ियों पे कुछ वर्षा की, तो डांस भी कर लें डीजे बजवा कर, तो क्या दिक्कत आ रही है? तो डांस भी कर लें डीजे बजवा कर, क्या डीजे बजवाने से नौजवान को रोजगार मिल गया? क्या डीजे बजवाने से किसान की फसल का पैसा मिल गया? क्या डीजे बजवाने से पॉपुलर का किसान तुमने बर्बाद कर दिया? एक यूनियन बना करके बैठ गए हरियाणा के अंदर जब से इनकी सरकार आई, पॉपुलर का किसान बर्बाद है, उसकी तरफ ध्यान है नहीं। डीजे बजवा दिया तो डीजे बजाओ, हम कौन मना कर रहे हैं? डीजे हम भी बजाएंगे, डीजे क्या दिक्कत आ रही है?